नमस्कार, नमो न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सुल्तानपुर कस्बे की। यहाँ जुरली मार्ग पर तालाब की पाल से रामनगर मोहल्ले तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत आई है। यहाँ पर करीबन 24 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही पीडब्ल्यूडी द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क में घटिया निर्माण सामग्री के साथ ही साइडें छोड़ दी गई है, जिससे आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे, तो वहीं बस्ती वासियों में काफी आक्रोश है। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। लंबे समय बाद जोटोली रोड स्थित रामनगर बस्ती वासियों के लिए बनी इंटरलॉकिंग सड़क इन दिनों घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत से ओतप्रोत है। जहां ठेकेदार द्वारा जहां साइडों की मिट्टी को खोद कर ही साइडें भर दी गई है, तो वहीं एक माह में ही सड़क पर दरारें आए जाना घटिया निर्माण सामग्री का सवाल निशान खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही शिकायत पर ठेकेदार द्वारा मरम्मत करवाकर खाना पूर्ति की जा रही है, तो वहीं एक माह में ही सड़क अब जवाब देने लग गई है। यहाँ ठेकेदार द्वारा साइडें छोड़ दिए जाने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है।